ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1035, क्लैरिफाइड ऑन 30th नवंबर 2008 एट बॉम्बे। ओम शांति। अच्छा, रात्रि क्लास है? टुडेज नाइट क्लास इज ऑफ द 4th जुलाई 1968। बच्चे जो बैठे हैं, द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग, और ये जो नई बात है बच्चे समझते हैं? कि बाबा बाबा भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। And the children understand this new topic that Baba is Baba, the teacher and the guru as well. और इस याद में सभी बच्चों को बैठना चाहिए। And all the children should sit in this remembrance. स्कूल में, in a school, टीचर को जरूर याद करते हैं। Students certainly remember their teacher. और कोई का गुरु है तो गुरु को याद करते हैं। और इफ समवन हैज अ गुरु दे रिमेम्बर हिम। और यहाँ तो ये वंडरफुल बात है कि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही गुरु है। एंड हियर इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट द वन अलोन इज द फादर द टीचर एंड द गुरु। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। He narrates the knowledge of the beginning, the middle and the end of the world. टीचर है? When he is the teacher, तो मालूम रहता है कौन सी शिक्षा देनी है। He knows what he has to teach. और योग भी सिखलाते हैं। And he teaches yog as well. योग अलग है और ज्ञान अलग है। योग इज डिफरेंट एंड नॉलेज इज डिफरेंट। याद में बैठने से बच्चों को खुशी होगी। मुखड़ा हर्षित हो जाएगा। द चिल्ड्रन विल फील हैप्पी एंड देयर फेस विल बिकम चीयरफुल बाय सिटिंग इन रिमेम्बरेंस। बच्चे समझते हैं हर 5-4 वर्ष बाद बेहद के बाप से हम मिलते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वी मीट द अनलिमिटेड फादर आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। और मिलते हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। एंड वी मीट हिम टू टेक द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस। परंतु बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं पड़ता है। बट मेनी चिल्ड्रन से वी कांट रिमेम्बर बाबा। अरे और कुछ याद रहे न रहे एक को तो याद रखना है। Whether you remember something else or not, you must certainly remember the one. कि वो बाबा भी है, टीचर भी है। Thinking he is Baba as well as the teacher. तो सारी रचना का आदिमध्यंत बुद्धि में आ जाता है। Then the beginning, the middle and the end of the entire creation comes in the intellect. ये भी मालूम है अभी हम वापस जाते हैं। You also know now we return home. क्योंकि बाप लेने आए हैं। Because the father has come to take us along. याद की यात्रा से हम पवित्र बन जाते हैं। तो हम जाते हैं। When we become pure through the journey of remembrance, we return home. और तुम ये भी समझाते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। And you also explain that God isn't omnipresent. क्योंकि सारी दुनिया तो कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है। It is because the entire world says that God is omnipresent. और तुम कहते हो कि वो सर्वव्यापी नहीं है। And you say that he isn't omnipresent. वो तो एक व्यापी है। He is in fact एक व्यापी।
प्रेजेंट इन वन। हम उसे एक व्यापी को याद करते हैं। एंड वी रिमेम्बर दैट एक व्यापी। अनेक व्यापी है या सर्वव्यापी है? इज ही प्रेजेंट इन मेनी और इज ही ओमनी प्रेजेंट? तुम समझ जाते हो कि ये तो रावण राज्य है, आसुरी राज्य है। So you understand that this is certainly the kingdom of Ravan, the demonic kingdom. परंतु ऐसा समझने वाले अपन को असुर समझते नहीं है। But the ones who consider that God to be omnipresent don't consider themselves to be demons. पहले तुम भी नहीं समझते थे। Earlier you didn't consider yourself as a demon either. नहीं समझते थे तो रावण का पुतला बनाए जलाते थे। When you didn't consider yourself as a demon, you used to make the effigy of Ravan and burn it. क्या क्या करते थे? What and all you used to do? अपन को ही ठगते रहते थे। You used to cheat yourself. अपन को ठगते तुम्हारी जेब ही खाली होती रही। While cheating yourself, your very pocket kept emptying. पहले तुम्हारी जेब भरपूर थी। Your pocket was full earlier. परंतु माया ने आकर के तुम्हारी बुद्धि रूपी सारी पॉकेट काट ली। But Maya came and picked your entire pocket like intellect. जैसे कोई जेब कटे होते हैं ना? Just like there are pickpockets, aren't there? तो हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है। So, the father has also explained the meaning of we ourselves, Hamso. कि हमसो ब्राह्मण है, फिर हमसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। That we ourselves are Brahmins, then we ourselves become deities, Kshatriya, Vaishya and Shudra. चार जुलाई 68वीं रात्रि क्लास का दूसरा पेज। Second page of the night class of the 4th July 1968. इस बात को तो तुम बच्चे ठीक समझते हो। यू चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। ऐसे तो नहीं है कि तुम कोई गस्सा मारते रहते हो। इट इज इन दैट यू कीप बोस्टिंग। अभी तुम फील करते हो शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है वो सभी गस्से ही गस्से थे। नाउ यू फील रियलाइज Whatever you have read in the scriptures were nothing but boasts. और खर्चा करते करते जब खाली एकदम इंसॉल्वेंट बन गए तो कितने बेघर बन गए। And when you became bankrupt, absolutely insolvent while spending, you became such a beggar. बल कितना भी किसके पास धन है। No matter how much wealth someone has. परंतु तुम जानते हो कि धन सहित सब खत्म हो जाएंगे। You know that everything including it will be destroyed. तुम बच्चे तो भरपूर हो जाते हो। You children become full. बाप तुम्हारी झोली भर देते हैं। The father fills your bag. तो देखो बाप आकर के झोली भरते हैं। So look, the father comes and fills our bag. और हम खाली कर देते हैं। And we empty it. भक्ति मार्ग में झोली खाली हो जाती है ना? The bag becomes empty in the path of bhakti, doesn't it? और ज्ञान मार्ग में बाबा झोली भर देते हैं। And Baba fills the bag in the path of knowledge. तब ही बाप समझाते हैं मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। इट इज देन दैट द फादर एक्सप्लेन्स ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एब्सोल्युटली स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। और यहाँ तो तुम बाप के टीचर, बाप और टीचर और सदगुरु तीनों के संग में रहते हो। एंड हियर यू स्टे इन द कंपनी ऑफ ऑल द थ्री, दैट इज द फादर, द टीचर एंड द सदगुरु। कितना बल मिलता है।
यू रिसीव सो मच पावर, खुश भी होते हो, यू फील हैप्पी एज वेल। कोई की दिल होती होगी कि तीन दिन ही सही बाप के सन्मुख आकर के हम रिफ्रेश होकर के जाए। Someone would wish, be it just 3 days, I should come face to face with the father, refresh myself and go. Baba ki to mana nahi hai. Baba doesn't refuse it. Haan, sabse bulu bachcha ho, jo baap samjhe, ye refresh ho karke jayenge to kamal karenge. Yes, if someone is a serviceable child, the father will think, if he refreshes himself and goes, he will do wonders. Baki service nahi karte hain, wo aakar ke kya karenge? As for the rest, what will those who don't do service do after coming? Jo serviceable hote hain, wo to panda ban karke le aate hain. Those who are serviceable become a guide, panda, and bring new students. बाप के सन्मुख सुन करके रिफ्रेश होते हैं। They listen face to face from the father and refresh themselves. वहाँ बाहर की दुनिया में जाने से फिर रिफ्रेशमेंट नहीं रहती। Refreshment doesn't last by going there in the outside world. वो सारा वायुमंडल गोरख धंधे का रहता है। It is because the entire atmosphere is of worldly business. गोरख धंधा। तुम बच्चे घर की बातें तो यहाँ सुनते नहीं हो। यू चिल्ड्रन डोंट लिसन अबाउट योर लौकिक हाउस हियर। उनको तो सर्विस का ही होना रहता है। यू आर कीन टू डू जस्ट सर्विस। सर्विस का समाचार बाप के पास नहीं जावेगा तो बाद में बाप हंटर लगावेंगे। इफ द न्यूज ऑफ सर्विस डजंट रीच द फादर, ही विल विप यू लेटर। क्योंकि ये तो सच्चा ज्ञान है। इट इज बिकॉज दिस इज द ट्रू नॉलेज। शंकर के लिए समझ लेते हैं कि वो झोली भरते हैं। पीपल थिंक फॉर शंकर दैट इट इज ही हु फिल्स द बैग। क्योंकि शंकर को साकार में देखते हैं ना। इट इज बिकॉज दे सी शंकर इन द कॉर्पोरियल फॉर्म, डोंट दे। मूर्ति बनी हुई है तो समझते हैं मूर्त रूप है। हिज आइडल्स हैव बीन मेड, so they think he is a personality. साकार है? He is corporeal. तो समझते हैं कि शिव तो निराकार है, वो कैसे झोली भरेंगे? So they think Shiv is in fact incorporeal. How will he fill the bag? तो देखो कितना contrast है, एक तरफ कहते हैं विनाश करते हैं। So look, there is so much of contrast. On one hand, they say, he brings about destruction. कौन? Who? शंकर। शंकर। फिर कहते हैं झोली भरते हैं। On the other hand, they say, he fills the bag. अब दो कामों में से एक ही काम करेंगे ना? Well, he will certainly perform only one task between the two, won't he? या तो झोली भरेंगे या तो विनाश करेंगे। He will either fill the bag or bring about destruction. तो देखो भक्ति मार्ग में तुम्हारा सारा जेब ही कट जाता है। So look, your pocket becomes fully empty in the path of bhakti. शास्त्रों में कितनी कंट्रास्ट की बातें हैं। There are so many contradictory points in the scriptures. अभी तुम समझते हो कि हम आए हैं झोली के झोली भरने। Now you understand that you have come to fill your bag. Kisse? From whom? Shiv Baba se. From Shiv Baba. Kalp kalp hum baap ke paas aakar ke dhanwan banne aate hain. We come to the father to become wealthy every cycle. Aur baap bhi aate hain drama plan anusar. And the father also comes according to the drama plan. हमारे बुलाने से नहीं आते हैं। He doesn't come on being called by us. हम उनको पुकारे या न पुकारे, जब उनको आना है तो आना ही है। Whether we call him or not, he certainly has to come when he must. ऐसे नहीं,
कि हमारे ऊपर दुख पड़ता है, तकलीफ होती है, हम पुकारते हैं तो वो आते हैं। It isn't that when we are in sorrow, when we are in trouble, we call him and then he comes. ये पॉइंट्स बहुत अच्छी समझाने की है। These are very good points to be explained. और एक पॉइंट भी पक्की कर ली तो बेड़ा पार हो जाएगा। And if you make even one point firm, your boat will be set across. बेहद के बाप को याद करो तो बेड़ा पार है। Remember the unlimited father and your boat will be set across. बेहद के बाप से बेहद का जेब भर जाता है। The unlimited pocket is filled by the unlimited father. बेहद का जेब क्या है? What is the unlimited pocket? ज्ञान से, बाप की याद से, दिव्य गुणों के भंडार से और ईश्वरीय शक्तियों से बुद्धि रूपी पॉकेट भर जाती है। द पॉकेट लाइक इंटेलेक्ट बिकम्स फुल थ्रू नॉलेज, द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर, द स्टोर ऑफ डिवाइन वर्चूज एंड द गॉडली पावर्स। और साथ ही साथ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। एंड अलोंग विद इट योर लाइफ स्पैन ऑल्सो इंक्रीजेस। इतनी बड़ी आयु हो जाती है जो कब काल तुमको अचानक खा नहीं सकता। योर लाइफ स्पैन इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट डेथ कैन नेवर डिवो यू सडनली। तुम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। यू विल लीव द बॉडी व्हेन यू विश। काल को हुक्म नहीं है आने के लिए। डेथ इज इन परमिटेड टू कम। क्योंकि तुम काल पर जीत पहनते हो। बिकॉज यू गेन विक्ट्री ओवर डेथ। और ये बात सुनने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए तुम आते हो। एंड यू कम टू लिसन टू दिस पॉइंट एंड टू बिकम रिफ्रेश्ड। बाप भी कहते हैं। द फादर ऑल्सो सेज, आज मैं तुमको नई नई बुझी बुझी बातें सुनाता हूँ। आई नरेट न्यू एंड डीप पॉइंट्स टू यू टुडे। और सारी बातें कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। एंड ही एक्सप्लेन्स ऑल द पॉइंट्स सो नाइसली। सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। He just says, consider yourself as a soul and remember me, the father. ऐसी बात में भी तुम मुझते रहते हो। You keep becoming confused in such points as well. अरे बाबा, हम कैसे अपन को आत्मा समझे? You say, अरे बाबा, how should we consider ourselves as a soul? अरे ये तो बहुत सहज है। अरे दैट्स वेरी इजी। तुम तो हो ही आत्मा। यू आर इंडीड अ सोल। आत्मा ब्रकुटी के बीच सितारा है। द सोल इज अ स्टार इन द मिडल ऑफ द ब्रकुटी। सितारे को याद नहीं कर सकते हो? कांट यू रिमेम्बर अ स्टार? जैसे तुम आत्मा सितारा हो, वैसे बाप भी सितारा है। जस्ट लाइक यू द सोल आर अ स्टार, The father is also a star. हाँ, बाप को परमात्मा कहा जाता है। Yes, the father is called the supreme soul. कैसी आत्मा? What kind of a soul? परम पाठधारी कहा जाता है। He is called the supreme actor. बाकी फर्क कोई नहीं है। Otherwise, there is no difference. अलफ को जाना और बाप को जाना। इफ यू कम टू नो अबाउट अलफ, यू हैव कम टू नो अबाउट द फादर। ये नहीं कहा कि बिंदी या नुक्ते को जाना तो बाप को जाना। ही डिडंट से इफ यू कम टू नो अबाउट द पॉइंट और नुक्ता, यू हैव कम टू नो अबाउट द फादर। बिंदी या नुक्ता ये परम पाठधारी नहीं कहा जाता। अगर वो मुकर्रत में प्रवेश न करे, अलफ में न आवे। द पॉइंट और नुक्ता इजंट कॉल्ड द सुप्रीम एक्टर इफ ही डजंट एंटर द परमानेंट चैरियट अलफ। और अलफ कहा ही जाता है खड़े रहने वाले को।
एंड ओनली द वन हु स्टेज स्टेडफास्ट एंड अपराइट इज कॉल्ड अलफ इन उर्दू. पड़े हुए डंडे को बे कहा जाता है. अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड बे इन उर्दू. इसलिए दिस इज वाई भक्ति मार्ग में भी इन द पाथ ऑफ भक्ति एज वेल विष्णु को शंकर को याद करते हैं. पीपल रिमेम्बर विष्णु एंड शंकर. मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं. दे मेक देयर आइडल्स टेम्पल्स एंड वर्शिप देम. और बे को याद नहीं करते. दे डोंट रिमेम्बर बे. क्यों नहीं याद करते? वाई डोंट दे रिमेम्बर हिम? क्योंकि बे ब्रह्मा को कहा जाता है. इट इज बिकॉज ब्रह्मा इज कॉल्ड बे. दूसरा अल्फाज है. इट इज द सेकेंड लेटर ऑफ उर्दू. वैसे भी नंबर दो को अच्छा नहीं माना जाता. एज सच सेकेंड ग्रेड इज इन कंसिडर टू बी गुड. माँ से कोई वर्षा नहीं मिलता है. यू डोंट ऑब्टेन एनी इनहेरिटेंस फ्रॉम द मदर. वर्षा बाप से मिलता है. इनहेरिटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फादर. और बिल्ली को भी बाप नहीं कहा जाता. एंड द पॉइंट इज इन कॉल्ड द फादर ईदर. बिल्ली बाप से वर्षा नहीं मिलता है. यू डोंट ऑब्टेन इनहेरिटेंस फ्रॉम द पॉइंट फादर. क्योंकि तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है. बिकॉज योर रिमेम्बरेंस इज ऑफ द प्रवृत्ति मार्ग. निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है. नॉट निवृत्ति मार्ग. इसलिए बोला है. दिस इज वाई ही हैज सेड न सिर्फ साकार को याद करना है और न निराकार को याद करना है. You don't have to remember just the corporeal one or just the incorporeal one either. साकार में निराकार को याद करना है प्रवृत्ति मार्ग की याद. To remember the incorporeal one in the corporeal one is the remembrance of the प्रवृत्ति मार्ग. बाप चक्र का राज ऐसे ऐसे समझाते हैं. The father explains to you the secret of the cycle in such a way. गायन भी है. उब जाए डीलनिया वो भी स्वर की मालिक बन जाती है. इट इज ऑल्सो प्रेस्ड इवन हंचबैक वुमेन ट्राइबल वुमेन बिकम द मास्टर्स ऑफ हेवन. उब्जा किसको कहा जाता है? हु आर कॉल्ड हंचबैक वुमेन? जिनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो. दोस हूज वेरी बैक बोन इज ब्रोकन. ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी कौन है? हु इज द बैकबोन ऑफ दोस हू फॉलो द नॉलेज इन द पाथ ऑफ नॉलेज? बाप दादा ही बैकबोन है. बाप दादा हिमसेल्फ इज द बैकबोन. और बैकबोन बाप दादा ही जिनकी बुद्धि से टूट गया तो समझो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई. And those whose very connection of the intellect has broken with backbone Bap Dada, it is as if their very backbone has broken. फिर ऐसे नहीं है. क्यों न वंचित आत्माओं को बाप उठाते नहीं है. Then it isn't that the father doesn't uplift those deprived souls. नहीं. No. ऐसी कुब्जाओं के लिए भी गायन है. It is praised for such hunchback women as well. क्यों उनको भी सीधा कर दिया ज्ञान मार्ग में चलने के लिए. He even straightened their backbone so that they could follow the path of knowledge. और बिलनी किसको कहा जाता है? And who are called tribal women? बिलनी शूद्राणी को कहा जाता है. A शूद्राणी female शूद्र is called tribal women. शूद्रों ने कहा जाता है जो विभिचारी होते हैं. Those who are adulterous are called शूद्र. ऐसी विभिचारिणियों को भी बाप आकर के अपना लेते हैं. The father comes and adopts such adulterous women as well. स्वर्ग का मालिक बनाई देते हैं. He makes them the masters of heaven. तुम जानते हो. You know.
कि हम आए हैं ना स्वर्ग के मालिक बनने के लिए. यू हैव कम टू बिकम द मास्टर्स ऑफ हेवन, हैवंट यू? और मधुबन का तो गायन है. एंड मधुबन इज सर्टेनली प्रेस्ड. यहाँ तुम आते ही हो बाप से खजाना लेने के लिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू कम हियर टू टेक ट्रेजर फ्रॉम द फादर. तुम बच्चों को तो धन भी मिलता है. यू चिल्ड्रन ऑब्टेन वेल्थ एज वेल. और बेहद का धन मिलता है. एंड इट इज अनलिमिटेड वेल्थ दैट यू ऑब्टेन. ये बेहद का धन ऐसा है जो इस स्थूल धन इसी जन्म में बन जाएगा. This unlimited wealth is such that it will become physical wealth in this very birth. तुम्हारे जैसा हद का और बेहद का साहूकार दुनिया में कोई भी नहीं होगा. There won't be anyone in the world who is as wealthy as you are in the limited and the unlimited. सिर्फ एक जन्म के लिए ही नहीं. Not just for one birth. जन्म जन्मांतर के लिए तुम भरपूर बन जाते हो. You become full for many births. और काया भी निरोगी बन जाती है. And your body also becomes disease free. जिनकी उपमा करते आए हो वो अभी तुम बनते हो. Those whom you have been praising, that is what you become now. दुनिया में तो किसी को भी पता नहीं है. Nobody in the world knows it. ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे. This Brahma didn't know it either. तुम बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि बाबा आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं. You children should remember that Baba comes and makes you the masters of the world. ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और हम विश्व के मालिक बन जाते हैं. इट isn't that he just comes in the body of Brahma, narrates the knowledge and you become the masters of the world. नहीं. No. ब्रह्मा को तो बाबा इसलिए कहा जाता है कि वो वयोवृद्ध थे. ब्रह्मा इज कॉल्ड बाबा बिकॉज ही वॉज एज्ड. बाकी ऐसे नहीं है कि उसे शिव बाबा कहेंगे. एज फॉर द रेस्ट, It isn't that he will be called Shiv Baba. Shiv Baba to practical mein aate hain. Well, Shiv Baba comes in practice. Kya karne ke liye? To do what? Humko Vishwa ka malik banane ke liye aate. He comes to make you the masters of the world. Aur Vishwa ke malik banane wale ko tum yaad bhi karte aaye ho. And you have also been remembering the one who makes you the masters of the world. Bhakti marg mein kitna yaad kiya hai. You have remembered him so much in the path of bhakti. Tum kahan bhi ja kar ke dekhenge. Mandiron mein Shiv Baba ko phool, phal, doodh aadi chadhate hai na. You may go anywhere. You will see that people offer flowers, fruits, milk, etc. to Shiv Baba in temples, don't they? कहाँ की यादगार है? It is the yadgar of which time? जरूर संगम युग में तुमने ये चैतन्य में कार्य किए हैं. You have certainly performed these tasks practically in the confluence age. लक्ष्मी नारायण के मंदिर कहेंगे. वो भी हम बनाते हैं. इट विल बी सेड दैट इट इज वी हु बिल्ड द टेम्पल ऑफ लक्ष्मी नारायण. भक्ति मार्ग में जड़ मंदिर बनाते हैं. यू बिल्ड इनर टेम्पल्स इन द पाथ ऑफ भक्ति. और यहाँ ज्ञान मार्ग में चैतन्य मंदिर बनाते हैं. एंड हियर इन द पाथ ऑफ नॉलेज यू बिल्ड लिविंग टेम्पल्स. भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनते रहते. पीपल कीप बिल्डिंग न्यूमरस टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस एंड गुरुद्वारास इन द पाथ ऑफ भक्ति. और ज्ञान मार्ग में तो हम ऐसा मंदिर बनाते हैं जो सारी दुनिया के बीच एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा. एंड यू बिल्ड सच टेम्पल इन द पाथ ऑफ नॉलेज दैट देयर विल बी ओनली वन बिग टेम्पल अमिडस्ट द एंटायर वर्ल्ड.
और सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे चलने लग पड़ेंगे। The rest of the temples, mosques, churches and gurudwaras will start falling. राम सीता के मंदिर में जावेंगे तो तुम अभी समझ जावेंगे ये नापास हुए हैं। If you go to the temple of Ram Sita, now you will understand that they failed. इसलिए यह बने हैं। This is why they became these ones. जो भी नापास होते हैं वो प्रारब्ध कहाँ पाते हैं? Where do all those who fail receive prarabdh, result of the previous deeds, reward or result? त्रेता युग की प्रारब्ध पाते हैं। They receive the prarabdh of the silver age. तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ गया है कि नंबर वार नापास तो सब होते हैं। It has sat in your intellect that everyone certainly fails number wise. ये भी जानते हो। You also know. ये सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। This entire world will mix in soil. That is, be destroyed. पुराना सब कुछ खलास हो जाना है। Everything old has to be destroyed. फिर तुम बच्चों को सभी कुछ नया मिलेगा। Then, you children will obtain everything new. यहाँ तो है ही पुरानी चीजें। तमो प्रधान। Here, things are just old and tamo pradhan. सुखदाई के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। People keep racking their brain so much for joy giving things. नई दुनिया में तो सब कुछ सुखदाई होगा। Everything will certainly be joy giving in the new world. वहाँ तो ढेर के ढेर ही ये होंगे। There will be innumerable diamonds there. जड़ हीरों की बात है। Is it about inner diamonds? जो भी आत्मा रूपी हीरे होंगे नई दुनिया में सब चमक मारने वाले सुखदाई होंगे। All the diamond like souls in the new world will shine and be joy giving. तुम जानते हो। You know. बड़े बड़े राजाओं के महलों में बड़े बड़े हीरे रहते हैं। There are very big diamonds in the palaces of big kings. जब भक्ति मार्ग में हीरे दिखाए हैं वो कहाँ की यादगार है? The diamonds that are shown in the path of bhakti are the yadgar of which time? उनके तो जड़ महल हैं, जड़ हीरे हैं। Well, theirs are inner palaces and inner diamonds. और हमारे तो चैतन्य संगठन रूपी किले होंगे जिसमें ढेर के ढेर हीरे होंगे। And ours will be the living fort-like gatherings where there will be innumerable diamonds. तुम साक्षात्कार भी करते हो, निश्चय भी करते हो कि हम ही नरसिंह नारायण जैसे बनेंगे। You have visions as well as this faith that you alone will become like Narayan from a man. और पुराने के पुराने चित्र भी हैं। There are ancient pictures as well. आजकल तो झूठे हीरे भी निकले हैं। These days, fake diamonds have come up. देखने से एक जैसे लगते हैं। They look alike. कोई समझ भी नहीं सकता कि सच्चे हैं या झूठे हैं। No one can even understand whether they are real or artificial. सच्चा और झूठा कोई भी नहीं समझ सकते। No one can understand the difference between truth and falsity. अभी ये तो युद्ध का मैदान है। Now it is the battleground. कोई इस बात को समझते हैं कि ये हमारा युद्ध का मैदान है। Some understand this fact. This is our battleground. माया हमको भरमाई देती है। Maya misleads us. और बाप हमारी बुद्धि को ठिकाने लगाते हैं। And the father sets our intellect in the right destination. कोई तो हीरे को हाथ में आकर के छोड़ देते हैं। Some give away the diamond that has come in their hand.
और बदले में कांच के रथा उठाए लेते हैं एंड पिक अप ब्रोकन ग्लास पीसेस इंस्टेड। अब कांच के रथ तो दुखी ही देंगे ना। वेल ब्रोकन ग्लास पीसेस विल सर्टेनली जस्ट गिव सॉरो वोंट दे। जानते हो यू नो कि माया जब बर्बाती है तो याद की यात्रा में माया के बिघन पड़ते हैं। When Maya misleads you, obstacles of Maya come on the journey of remembrance. अभी उन बिघनों को हटाते रहना है। You have to keep overcoming those obstacles now. अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का विकर्म नहीं करना है। You shouldn't perform any kind of wrong action through your कर्मेंद्रिय। नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। Otherwise, you will have to suffer 100 times punishment. और अभ्यासी बनते जावेंगे। And you will keep becoming habituated to it. कहे के? To what? विघ्नों में फंसने के अभ्यासी बनते जावेंगे। You will keep becoming habituated to being trapped in obstacles. इसलिए सदैव याद करो कि हम आत्मा हैं। So, always remember, I am a soul. और आत्मा समझने से ही बाबा भी पक्का याद आवेगा। And you will definitely remember Baba just by considering yourself as a soul. समझेंगे। You will understand. कि आत्मा सभी प्रकार के संस्कार ले जाती है। That the soul takes along, assimilates all kinds of संस्कार्स। अच्छे संस्कार भी ले जाती है और बुरे संस्कार भी ले जाती है। It takes good संस्कार्स as well as bad संस्कार्स। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। The very soul says, I leave one body and take another. अच्छा? अच्छा. बच्चों को गुड नाइट। गुड नाइट टू द चिल्ड्रन। आज का प्रातः क्लास है 3 जुलाई 1967। Today's morning class is of the 3rd July 1968. मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं। The very sweet spiritual children know. कि बाप और दादा के हम सामने बैठे हैं। We are sitting in front of the father and dada. और ये जानना तो बहुत सहज है। And it is very easy to know this. कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे। वी आर सिटिंग सन्मुख विद बाप दादा। बाप दादा के मुकाबले और सारी दुनिया हमारी विमुख बनती है। कंपेयर टू बाप दादा द एंटायर वर्ल्ड टर्न्स विमुख विद इट्स फेस टर्न्ड अवे अपोजेस अस। परंतु बाप दादा सदैव हमारे सन्मुख हैं। बट बाप दादा इज ऑलवेज सन्मुख विद अस हेल्प्स अस। हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितने सन्मुख हैं और कितने विमुख हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अस हाउ मच सन्मुख एंड विमुख वी आर। कोई साकार में सन्मुख होते हैं। Some are sanmukh in the corporeal form. Photo khicha jaye to baap ke sanmukh. If a photo is taken, they are sanmukh with the father. Aur andar se vipareet sankalp chalte hain. Virodhi sankalp chalte hain. But wrong thoughts, opposing thoughts are generated within. To unko sanmukh thode hi kaha jayega. So, they certainly won't be called Sanmukh. थोड़े ही कहेंगे कि बाप इसे विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। Then, it won't be said that they are taking the inheritance of the emperorship of the world from the father. जो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे होंगे वो अनुभव करेंगे कि हमारी खुशी बढ़ती जाती है। Those who would be taking the inheritance of the emperorship of the world from the father will experience
that their happiness keeps increasing. बादशाही पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. And it is their birthright to obtain the emperorship. जरूर जब सामने बैठे रहते हैं तो खुशी बढ़ती है. Certainly, when you keep sitting in front of the father, your happiness increases. क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि हम शिव बाबा के नजदीक आ रहे हैं और हम कोई मनुष्य आत्मा के नजदीक नहीं आ रहे हैं. Because you experience that you are going closer to Shiv Baba and not to any human soul. जानते हो? You know. शिव बाबा इस पर्टिकुलर मनुष्य के तन में बैठे हुए हैं. शिव बाबा इज सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी. यहाँ बैठे जरूर अति इंद्रिय सुख में बैठे होंगे. You will certainly be experiencing super sensuous joy while sitting here. अगर बाप की याद में है तो provided that you are in the remembrance of the father. तो हर एक अपने दिल से पूछे. So everyone should ask his heart. हम बाप की याद में बैठे हैं. Am I sitting in the remembrance of the father? और हमको बाप का बरसा राजाई याद रहती है. And do I remember the inheritance of the father, that is the kingship? और तो कोई ऐसा सत्संग नहीं होता है जिसमें बच्चों को बाप और बाप का बरसा याद रहे. There isn't any other satsang where the children remember the father and the inheritance of the father. यहाँ तो है ही बाप और बाप की बात सही. Here, there is just the father and the emperorship of the father. बाप के पास तुम बैठे हो. You are sitting close to the father. तो बाप और बरसा जरूर याद पड़ेगा. So, you will certainly remember the father and the inheritance. वहाँ बाहर की दुनिया में रहते हो तो उतना याद नहीं रहेगा. When you stay there in the outside world, you won't remember him that much. बलवा भाई भाई हो बैठते हो परंतु यहाँ तो बाप के सामने भाई भाई होकर के बैठते हो. Though you sit becoming brothers there, you become brothers and sit here in front of the father. फर्क हो जाता है. There is a difference. बाप के सामने बैठने से जरूर बाप याद आवेगा. By sitting in front of the father, you will certainly remember the father. और बाप का बरसा याद राजाई भी याद पड़ेगी. And you will remember the inheritance of the father, that is the kingship as well. बाबा कहते हैं. Baba says. ऐसी याद में बैठो. Sit in such remembrance. बाप के साथ बरसा जुड़ा हुआ है. The inheritance is connected to the father. बाप की याद से बुद्धि में विश्व की बादशाही जरूर याद आती रहे. You will certainly keep remembering the emperorship of the world in the intellect through the remembrance of the father. अगर याद रहती है तो जरूर अंदर में बड़ी खुशी होती होगी. If you remember it, you will certainly feel very happy within. बहुत बड़ी ते बड़ी लॉटरी है. It is the biggest lottery. और ये कोई कम बात नहीं है. And it isn't any less either. उस दुनिया में तो बड़ा हंगामा होता रहता है. Big commotions go on in this world. कांटों का ताज लेने के लिए कितना हंगामा करते हैं. They create so much of commotion to obtain the crown of thorns. कितना शोर शराबा करते हैं. They keep making so much of noise. और प्राप्ति कितनी होती है. अल्पकालिक. And for how long do they make an attainment? For a short time. So be. On top of it, कांटों का ताज मिलता है. They obtain the crown of thorns. अंदर से भयभीत भी होते रहते हैं. They keep becoming afraid within. और यहाँ? And here? यहाँ तो कोई हंगामा नहीं. Here there is no commotion. तुम कितना शांत होकर के बैठते हो. You sit very peacefully. कोई गोरख धंधा आदि नहीं है. There is no worldly business, etc. यहाँ बैठे हो तुम बाप की याद में. You are sitting in the remembrance of the father here. तो वहाँ इस पुरानी दुनिया में इतनी खुशी नहीं रहेगी.
जितनी तुमको यहाँ रहती है। सो देयर इन द ओल्ड वर्ल्ड यू वोंट फील एज हैप्पी एज यू फील हियर। जो दूर से आते हैं उनको जरूर खुशी होती होगी। Those who come from a far off place would certainly feel happy. कि अभी हम बाबा के पास बैठे हैं। Thinking, we are sitting close to Baba now. बाप से स्वर्ग की बादशाही हमको कल्प कल्प मिलती आई है। We have been obtaining the emperorship of heaven from the Father every cycle. क्योंकि यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो ना? It is because you are in fact sitting sanmukh here, aren't you? विश्व का मालिक बनाने वाले बाप के सामने बैठे हो। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फादर हु मेक्स यू द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। गायन भी है। इट इज ऑल्सो प्रेज। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। एस्क द गोप गोपीज अबाउट द सुपर सेंसुअस जॉय। क्योंकि बेहद की राजाई देने वाले बेहद के बाप के सामने बैठे हो। इट इज बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द अनलिमिटेड फादर Who gives the unlimited kingship? सामने बैठे हो तो जरूर राजाई याद रहेगी। If you are sitting in front of the father, you will certainly remember the kingship. ये भी जानते हो। You also know. कि नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। That heaven is said to be the new world. और बाप ही आकर के नई दुनिया रचते हैं। And the father alone comes and establishes the new world. स्वर्ग किसको कहा जाता है? What is called heaven? स्वयं स्थिति में जाने वालों को स्वर्ग कहा जाता है। It is said for those who reach the soul conscious stage that they have gone to heaven. और स्वयं स्थिति की रचना बाप ही आकर के हमको परिचय देकर देते हैं। And it is the father alone who comes and gives you the knowledge of the creation of the soul conscious stage after giving you your introduction. ये समझ कर जरूर बच्चों को बाप याद आता है। खुशी भी होती है। By understanding this, the children certainly remember the father and also feel happy. अज्ञान काल में भी कोई बाप के पास पैसे जास्ती होते हैं, कोई के बाप के पास कम होते हैं। In the period of ignorance as well, someone's father has a lot of money, while someone's father has little money. जिनके बाप के पास बहुत धन दौलत होती है तो उनको कितना नशा रहता है। Those whose father has a lot of wealth and prosperity, they feel very elated. ये तो तुम बच्चे जानते हो। You children certainly know. कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। You become the masters of the world. बाप भी समझते हैं। The father also understands this. तब बच्चों से समझ है, वो जानने के लिए पूछते हैं। He asks questions to the children to know test their intelligence. आगे भी समझाया था। He explained it earlier as well. अभी तो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। It is then that it is praised. Ask the gop gopis about the super sensuous joy. अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। That is, ask my children about it. बाकी बाहर वालों की बात नहीं है। As for the rest. It isn't about the outsiders. गोप गोपियाँ माने ही तुम मेरे बच्चे। गोप गोपीज इटसेल्फ रेफर्स टू यू माय चिल्ड्रन। बच्चों से पूछते हैं। He asks the children. जब मुझे अपने बाप को तुम इसमें देखते हो तो कितनी खुशी होती है। When you see me, that is your father, in this one, how happy do you feel? यहाँ बैठो। When you sit here, तो आंतरिक खुशी में होकर बैठो। Sit with inner happiness. यहाँ से बाहर में जाते हो तो फील करते हो बरोबर सन्मुख बैठने से बहुत खुशी होती है। When you go out from here, you feel that you certainly feel very happy while sitting sanmukh. बाहर जाने से जैसे खुशी एकदम बिगड़ जाती है। It is as if happiness diminishes completely by going outside. क्योंकि और तरफ बुद्धि का योग चला जाता है। इट इज बिकॉज द कनेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट गोज टुवर्ड्स अदर थिंग्स। क्यों चला जाता है? व्हाई डज इट गो टुवर्ड्स अदर थिंग्स? देह भान के कारण। स्टूडेंट बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस।
बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। बाप के सामने आने से देह भर नहीं रहता क्या? डोंट यू स्टे बॉडी कॉन्शियस व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द फादर? हाँ। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस। मुख्य बात है संघ का रंग। द मेन थिंग इज कलर ऑफ द कंपनी। संघ का रंग भी तब लगता है जब बाप साकार में आते हैं। When the father comes in the corporeal form, it is then that you are colored by his company. कोई साकार का संग लेने के लिए तुम बच्चे नहीं आते हो। You children don't come to take the company of a corporeal being. तुम साकार में किसको देखते हो? Who do you see in the corporeal one? निराकार बाप को देखते हो। You see the incorporeal father. तो संग का रंग लगता है। So you are colored by his company. और फिर सारी बात स्मृति के ऊपर है। एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिमेम्बरेंस। जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद में कोई जाते थे तो बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो। जस्ट लाइक व्हेन समवन सैट ऑन ब्रह्मा बाबा'स लैप, बाबा यूज्ड टू आस्क देम ऑन हूज़ लैप हैव यू कम। कोई कहते थे ब्रह्मा बाबा हम आपकी गोद में आए हैं। सम सेड ब्रह्मा बाबा आई हैव कम ऑन योर लैप। तो बाबा कहते फेल। Then Baba said, "You have failed." अगर बोले कि शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पास हुए। If he said he has come on Shiv Baba's lap, he passed. तो क्या अंतर पड़ा? So what was the difference? है? स्मृति का ही अंतर है। There is difference in the remembrance itself. आए तो हैं, लेकिन स्मृति में क्या है? He has indeed come, but who do you remember? तो शिव बाबा की तरफ बुद्धि का योग जाना चाहिए। So the connection of the intellect should go towards शिव बाबा। 63 जन्म के आदि हो संग का रंग लेने के। You are used to being colored by the company for 63 births. बल बाप के पास आते हो। Though you come to the father. तो भी स्मृति में रहना चाहिए। क्या मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास आए हैं? यू शुड रिमेम्बर दैट यू हैव कम टू द हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर। और ये भी जानते हो कि यहाँ हम एक ही बाप के सामने बैठे हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट हियर यू सिट इन फ्रंट ऑफ द वन फादर अलोन। तो जरूर बाप की याद में होंगे तो खुशी होगी। सो यू विल सर्टेनली फील हैप्पी इफ यू आर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर ही याद में कोई घोटाला है। इफ यू डोंट फील हैप्पी देयर इज सर्टेनली सम फ्लॉ इन द रिमेम्बरेंस। अगर कहां बाहर वाले को याद करते होंगे, मानो कोई को अपना गांव याद आवेगा। इफ यू रिमेम्बर एन आउटसाइडर, इफ समवन रिमेम्बर्स हिज विलेज, कोई को अपने बाल बच्चे याद आवेंगे। और इफ समवन रिमेम्बर्स हिज चिल्ड्रन, तो खुशी बा गायब हो जाएगी। The happiness will vanish. यहाँ तो है ही एक बाप। Here there is the one father alone. तो नरक से बुद्धि निकल जाती है। So the intellect comes out of hell. बाप आते ही है नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। The father certainly comes to make the world of hell into heaven. तो बाप की रचना में और मनुष्यों की रचना में कितना फर्क है। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द फादर्स क्रिएशन एंड द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तुम्हारा सारा बुद्धियोग चला जाता है स्वर्ग में। द कंप्लीट कनेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्ट गोज टुवर्ड्स हेवन। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, इम्तहान पूरा होता है तो समझते हैं हम जाकर के फलाने क्लास में बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द एग्जामिनेशन इज ओवर, स्टूडेंट्स थिंक दैट दे विल गो एंड सिट इन सो एंड सो क्लास। यहाँ तो तुम जानते हो कि हम बिल्कुल हाईएस्ट दर्जे में जाते हैं। हियर यू नो दैट यू रीच द हाईएस्ट रैंक पोजिशन। स्वर्ग से ऊंचा और कोई भी दर्जा नहीं होता है। देयर इज नो रैंक हायर देन हेवन। तो ऐसा दर्जा
इसी जन्म में पावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद पावेंगे? सो विल यू अटेन सच अ रैंक इन दिस वेरी बर्थ और विल यू अटेन इट आफ्टर लीविंग द बॉडी? इसी जन्म में ऐसे दर्जे की अनुभूति करनी है। यू हैव टू अटेन सच अ रैंक इन दिस वेरी बर्थ। जी के जी हम स्वर्ग में जावेंगे। यू विल गो टू हेवन व्हाइल बीइंग अलाइव। वहाँ दुख नहीं होगा। देयर वोंट बी सॉरो देयर। भले दुख की सीन सीनरी दुनिया वाले महसूस करेंगे लेकिन हमारी आत्मा महसूस नहीं करेगी। Though the people of the world will experience the scene and sceneries of sorrow, your soul won't experience it. ऐसे नहीं, प्योर धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ऐसा अनुभव नहीं करते होंगे। It isn't that those who convert to the other religions won't experience it, that stage. नहीं। No. और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली जो विशेष आत्माएं हैं, अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ती है तो वो भी इस नरक की दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगी। If the special souls who convert to the other religions study well, they will also experience heaven in this world of hell. इसलिए उनके शास्त्रों में भी पैराडाइज या जन्नत की मान्यता है। This is why there is the belief of paradise or jannat in their scriptures as well. अगर उन्होंने ऐसा पैराडाइज या जन्नत नहीं भोगा होता तो शास्त्रों में क्यों ऐसी बात लिखी हुई है? Hadn't they experienced such paradise or jannat, then why would have such a thing been written in their scriptures? ये भी तुम जानते हो कि शांति धाम में तो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं। You know this as well. There aren't the karmendriya of the body in the abode of peace at all. और कर्मेंद्रियों के बगैर सुख या दुख नहीं भोगा जा सकता। And happiness or sorrow can't be experienced without the karmendriya. तो शांति धाम में जाने से पहले ही तुम बच्चों को ये इम्तिहान पास करना है। So you children have to pass this examination before going to the abode of peace itself. परंतु इसके लिए कैसी स्टेज बनानी है? But what kind of stage do you have to attain for it? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज यहाँ ही बनानी पड़े। You have to attain the incorporeal, viceless and egoless stage here itself. जैसे बाप के लिए भी बोला है। Just like it has also been said for the father. बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर that the father became subtle from corporeal, incorporeal from subtle, then फिर साकारी बनेगा, then he will become corporeal again. तो जो बाप के लिए वो बच्चों के लिए। So what goes for the father goes for the children. बाकी वहाँ ऊपर में तो है शांति धाम। As for the rest, there is the abode of peace there above. वहाँ तो तुम चुप रहते। You stay quiet there. यहाँ भक्ति मार्ग में बुद्धि कितनी भटकती है। The intellect wanders so much here in the path of bhakti. और बाप आकर के भटकने से निकालते हैं। And the father comes and stops you from wandering. तो जब बाप की मुरली सुनते हो तो मुरली सुनते सुनते कोई तो चौंक जाते हैं। सो व्हेन यू लिसन टू द फादर्स मुरली सम आर शॉक्ड बाय लिसनिंग टू इट। इसलिए व्हाई जब अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारी बुद्धि तो बाहर भटक रही थी। व्हेन दे चेक दे रियलाइज दैट देयर इंटेलेक्ट वाज वांडरिंग आउटसाइड। बुद्धि तो बाप की तरफ लगानी चाहिए। यू शुड फोकस योर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द फादर। अगर बाहर में बुद्धि होगी तो ये प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी। इफ द इंटेलेक्ट इज वॉन्डरिंग आउटसाइड दिस प्रैक्टिस विल कीप बिकमिंग फर्म। और उनको फिर स्वर्ग के सुख नसीब नहीं होंगे। एंड सच वंस वोंट एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ हेवन। इस दुनिया में स्वर्ग अनुभव नहीं कर सकेंगे। They won't be able to experience heaven in this world.
तो अभी प्रैक्टिस पक्की करनी है. सो यू हैव टू मेक दिस प्रैक्टिस फर्म नाउ. क्या? व्हाट? ना बाहर की दुनिया में बुद्धि जावे, ना निद्रा में बुद्धि जावे. द इंटेलेक्ट शुड नीदर गो इन द आउटसाइड वर्ल्ड नॉर इन स्लीप. निद्रा में जाते हैं तो बुद्धि बाहर जाती है, अंदर रहती है. When you fall asleep, does the intellect go outside or does it stay in? बाहर चली जाती है. It goes outside. अभ्यास पक्का होता जाएगा. That practice will keep becoming firm. बाकी ये तो कह सकते हैं कि ये हर एक के अपने दिल की बात है. Nonetheless, we can say that it depends on each one's heart. दिल से अनुभव करना है. You have to experience it within your heart. कि हम अभी कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं. What kind of study am I studying now? वो खुद ही समझ सकते हैं. You can understand it by yourself. ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई अंतर्यामी है और बाप से पूछे. It isn't that the father is antaryami, so that you ask him. Antaryami means the one who knows the inner thoughts or feelings of others. Baba, aap batao. Baba, tell me. Hamari buddhi kahan hai? Where is my intellect? Baap kehte hai, main to antaryami nahi hoon. The father says, I certainly am not antaryami. Mujhe ek ek ke dil ki janne ki zarurat nahi hai. I don't need to know each and everyone's heart, thoughts. ये तो हर एक खुद ही अपने से पूछे. Everyone should ask that to himself. बाकी इतना पक्का है कि यहाँ कोई का झूठ छिप नहीं सकता है. Nonetheless, this is certain that no one can hide their lies here. कोई कितना भी छिपाना चाहे लेकिन कोई का पुरुषार्थ छुपा हुआ नहीं रहेगा. No matter how much someone tries to hide it, no one's purusharth will stay hidden. ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिनका बुद्धि योग कहां ना कहां बाहर भटकता रहता है. There are many of such daughters whose connection of the intellect keeps wandering somewhere or the other outside. क्योंकि बुद्धि को धक्का खाने की ढेर जगहें हैं. It is because there are many places where the intellect can suffer blows. और याद करने की सिर्फ एक जगह है. And there is just one place to remember. आधा कल्प हमारी बुद्धि भटकती रही, धक्के खाती रही. Your intellect kept wandering and suffering blows for half the cycle. कहाँ न कहाँ भटकने के आदि हो गए. You became habituated to wandering somewhere or the other. ये भी समझते हो. You also understand. अगर बाप को याद नहीं करते होंगे. If you don't remember the father. बुद्धि एक जगह नहीं होगी. If the intellect doesn't stabilize in one place. तो जरूर कहाँ न कहाँ बुद्धि धक्के खाती होगी. It will certainly suffer blows somewhere or the other. तो क्या समझना चाहिए? So what should you think? है? कि 63 जन्म हमने ऐसे ही और आत्माओं से धक्के खाए हैं. You have suffered blows in the same way from the other souls for 63 births. और आत्माओं ने हमको अपने में लटकाया है. Other souls have influenced you. वो रिहर्सल अभी होती रहती है. That rehearsal keeps taking place now. जैसे स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन कीप सिटिंग एट स्कूल. कोई बच्चे तो बहुत अटेंशन से पढ़ते हैं. सम स्टडी वेरी अटेंटिवली. कोई नहीं पढ़ते हैं. व्हाइल सम डोंट. कम पढ़ने वालों की बुद्धि और तरफ भटकती रहेगी. द इंटेलेक्ट ऑफ दोज हू स्टडी लेस विल कीप वंडरिंग इन अदर प्लेसेस. यहाँ भी ऐसे होता है. द सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल. कोई की यहाँ बैठे बैठे बुद्धि लंदन की तरफ जाती रहती है. Someone's intellect keeps going towards London while sitting here. अफ्रीका की तरफ भागती होगी. Someone's intellect will go towards Africa.
ऐसे होता है, इट हैपेंस लाइक दैट। ये लंदन और अफ्रीका का नाम क्यों लिया? Why was the name of London and Africa taken? ऐसे होता है, इट डज हैपन लाइक दैट। प्रैक्टिकल में ऐसे होता है, इट हैपन्स लाइक दैट इन प्रैक्टिस। भक्ति मार्ग में भी कोई बैठे बैठे रामायण पढ़ते हैं तो सुनने वाले को देखते हैं ये तो तवाही होकर के बैठे हैं। इन द पाथ ऑफ भक्ति एज वेल, when someone sits and reads out the Ramayana, he notices that the listener is sitting like a fool. तो जो श्रूड बुद्धि रामायण पढ़ने वाले होते हैं अचानक पूछते हैं। So the ones with the shrewd intellect who read out the Ramayana, they ask questions suddenly. तो जिससे पूछा जाता है वो वायर हो जाते हैं। Then the one who is asked the question becomes confused, thinking, क्या जवाब दे? What should I answer? अब सुना ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे? Well, when he, the listener, didn't listen to it at all, how will he answer? अब वो है भक्ति मार्ग। Now, that is the path of bhakti. और ये है ज्ञान मार्ग। And this is the path of knowledge. वो है कल्याण का मार्ग। That is the path of harm. और ये है कल्याण का मार्ग। And this is the path of welfare. ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। These topics are very easy to understand. भारत जो गोल्डन एज था वो भारत अभी आयरन एज में है। भारत विच वॉज द गोल्डन एज इज द आयरन एज नाउ। तो फिर बाप को याद करने से अभी गोल्डन एज में जाते हो। सो नाउ यू गो टू द गोल्डन एज अगेन बाय रिमेम्बरिंग द फादर। ये भी जानते हो, यू ऑल्सो नो कि बाप हर 5-4 वर्ष बाद आते ही रहते आयरन एज को गोल्डन एज बनाने के लिए। That the father keeps coming after every 5,000 years to make the iron age into the golden age. तो जिनको आयरन एज से फर्स्ट क्लास गोल्डन एज में जाना होगा वो कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे। So, those who have to go to the first class golden age from the iron age will never miss the study. एक दो मिनट भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। There shouldn't be a difference of even a minute or two. तुमको पति से पावन बनाने के लिए बिल्कुल accurate time पर आता हूँ। I come on the accurate time to purify you. एक दो मिनट का फर्क पड़ता है। Or is there a difference of a minute or two? एक second की भी देरी नहीं करता हूँ। I don't delay even for a second. Drama में फर्क पड़ ही नहीं सकता। There can't be a difference in the drama at all. तो बाप समझाते रहते हैं। So, the father keeps explaining. मीठे मीठे बच्चे अभी स्वदर्शन चक्रधारी भव। Very sweet children, become स्वदर्शन चक्रधारी now. स्वदर्शन चक्रधारी means those who rotate the discus of self-realization. और ये स्वदर्शन चक्रधारी भव का पाठ तुम बाप ब्राह्मणों को ही सिखाया जाता है। And it is only you Brahmins who are taught this part of becoming स्वदर्शन चक्रधारी. ये 84 का चक्र कैसे फिरता है? How this cycle of 84 births rotates? ये चक्र घुमाना सतयुग त्रेता के देवताएं भी नहीं जानते। Even the deities of the golden and silver age don't know how to rotate this discus. इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। You become the चक्रवर्ती राजा by knowing this चक्र cycle. चक्रवर्ती राजा means An emperor who has conquered all the kingdoms around his. फिर वहाँ नई दुनिया में तुमको कुछ भी जानने की अधिक दरकार नहीं रहेगी। Then you won't need to know anything there in the new world. वहाँ तो होता ही है सुखधाम। That is the very abode of happiness. अभी तुम बच्चे समझते हो? Now you children understand. ड्रामा के प्लान अनुसार हम अभी अपने सुखधाम में जा रहे हैं। Now, you are going to the abode of happiness according to the drama plan. जा तो रहे हैं। You are indeed going there. और बाप भी तो पूरा रास्ता बता रहे हैं। And the father is also showing you the complete path.
हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं। यू आर मेकिंग पुरुषार्थ एज वेल एज असिमिलेटिंग डिवाइन वर्चूज, क्योंकि यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। इट इज बिकॉज यू हैव टू असिमिलेट डिवाइन वर्चूज हियर इटसेल्फ, साथ में अलोंग विद इट बैज भी बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा होना चाहिए। द बैज शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन योर पॉकेट लाइक इंटेलेक्ट, तो याद रहे, सो दैट यू रिमेम्बर कि हम ऐसे बनते हैं। वी बिकम लाइक दीज वंस, क्योंकि बैज में त्रिमूर्ति के ज्ञान के साथ साथ तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी दिया हुआ है। इट इज बिकॉज द एम ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो गिवन इन द बैज अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ द त्रिमूर्ति। तुम ब्राह्मण ये कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है। ओनली यू ब्राह्मिन्स विल से वी अबटेन दिस इनहेरिटेंस थ्रू ब्रह्मा। कहेंगे? यू विल से इट। कब कहेंगे? व्हेन विल यू से इट? कब कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है? व्हेन विल यू से वी अबटेन दिस इनहेरिटेंस थ्रू ब्रह्मा? यह माने कौन सा वर्षा? दिस मीन्स विच इनहेरिटेंस? लक्ष्मी नारायण का वर्षा। द इनहेरिटेंस ऑफ लक्ष्मी नारायण। कहेंगे? यू विल से इट। माना? इट मीन्स भविष्य में वो टाइम भी आने वाला है जब तुम कहेंगे दुनिया वालों को। सच अ टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन फ्यूचर व्हेन यू विल से टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि हमको यह वर्षा मिलने वाला है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। वी आर गोइंग टू अबटेन दिस इनहेरिटेंस नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ। इसके द्वारा? थ्रू हुम? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो सभी छोड़ दिया। थ्रू ब्रह्मा? वेल, ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी। बल शरीर छोड़ दिया तो भी ब्रह्मा की आत्मा कोई परम धाम वापस नहीं चली गई, वो इसी दुनिया में पैट बजाती रहती है। दो ही लेफ्ट हिज बॉडी His soul didn't return to the supreme abode. He keeps playing part in this very world. तो ये बैज बहुत बहुत वैल्यूबल है। So, this badge is very very valuable. तुमको वैल्यूबल बनाता है। It makes you valuable. बल ये बैज पाई पैसे की चीज है। Though this badge is worth a penny. परंतु ये इस समय तुम्हारे बहुत बहुत काम की चीज है। It is very very useful to you at the present time. और इस बैज से कोई को भी तीर लग सकता है। एंड anyone can be hit by an arrow through this badge. इसमें बाप का पूरा परिचय दिया हुआ है। The complete introduction of the father is given in it. ये तुम्हारे ज्ञान का तंत है। It is the essence of your knowledge. और बिल्कुल क्लियर है। And it is absolutely clear. शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विश्वपुरी का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा मेक्स यू द मास्टर्स ऑफ द अबोर्ड ऑफ विष्णु थ्रू ब्रह्मा। पहले शांति धाम सुखधाम जावेंगे। फर्स्ट यू विल गो टू द अबोर्ड ऑफ पीस एंड देन द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस। बच्चे त्रिमूर्ति बनाते हैं। द चिल्ड्रन मेक द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति। परंतु उस त्रिमूर्ति में गड़बड़ क्या किया है? But what mistake did they make in it? त्रिमूर्ति में शिव का चित्र रखते ही नहीं है। They don't keep the picture of Shiv in the picture of the त्रिमूर्ति at all. क्यों नहीं रखते हैं? Why don't they keep it? अरे शिव का चित्र नहीं रखते? They don't keep the picture of Shiv. शिव का चित्र होता है? Is there a picture of Shiv? शिव बाबा का चित्र होता है या शिव का होता है? Is there a picture of Shiv Baba or Shiv? Students, Baba. तो क्या कहना चाहिए? So, what should be said? शिव बाबा का चित्र त्रिमूर्ति में होना चाहिए या नहीं? Should Shiv Baba's picture be kept in the picture of the त्रिमूर्ति or not? होना चाहिए, परंतु बच्चे रखते नहीं है। इट शुड बी बट द चिल्ड्रन डोंट कीप इट एट ऑल। इसलिए नहीं रखते हैं
ये त्रिमूर्ति का अर्थ ही नहीं समझते। They don't keep it because they don't understand the meaning of त्रिमूर्ति at all। कहते भी हैं। They say as well। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना। Establishment through ब्रह्मा। और विष्णु द्वारा पालना। And sustenance through विष्णु। अभी तुम अर्थ को समझते हो? Do you understand the meaning now? बाप हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाए गए हैं। The father is making us the masters of the abode of Vishnu through Brahma. ये विष्णुपुरी का मालिक बन गए? This one has become the master of the abode of Vishnu. ये है अलग को समझना। This is understanding अलग। कौन सी मूर्ति में ब्रह्मा भी समाया हुआ है, विष्णु भी समाया हुआ है और हर हर बम बम की यादगार भी समाई हुई है? इन विच पर्सनैलिटी इज ब्रह्मा विष्णु एज वेल एज द यादगार ऑफ हर हर बम बम प्रेजेंट? अगर उस अलग को ही भूल गए। If you forget that very alaf, तो अलग के बगैर बाकी सारी भाषा लिख नहीं सकते। You can't write the entire language without alaf. A अर्थात अलग। A refers to अलग। A बगैर भाषा लिख नहीं सकते। You can't write the language without A. अलग के बगैर भाषा चल ही नहीं सकती। The Urdu language can't be written without alaf at all. तो ये भी त्रिमूर्ति में अलफ है मुख्य। सो हियर ऑल्सो अलफ इज द मेन अमंग द थ्री पर्सनैलिटीज। और ये अलफ तो जरूर समझाना पड़ता है। एंड यू सर्टेनली हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस अलफ। समझाओ। एक्सप्लेन टू अदर्स। ये बाप है। दिस वन इज द फादर। ये कोई गुरु गुसाई नहीं है। ही इजंट अ गुरु और अ होली मैन। ये हमारा बाप है। He is our father। और सिर्फ हमारा, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं है, सारी दुनिया का एक ही बाप है। He isn't just our or the Brahma Kumar Kumari's father। He is the one father of the entire world। बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। बाबा enters this one। ओम शांति। ओम शांति।